बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संयुक्त राष्ट्र का जो ये है पर्यावरण कार्यक्रम के बीच में आज एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और हमारे अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं और वास्तव में लो कार्बन पाथवे की दिशा में आज हम अग्रसर हुए हैं। और आपने देखा होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी जलवायु परिवर्तन के आलोक में चिंतित रहे हैं और बिहार कृषि प्रधान देश है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो उसके नकारात्मक पक्ष है वो दिखने लगे थे। समय पर वर्षा नहीं होना, ज़्यादा वर्षा हो जाना, सुखाड़ हो जाना, ये सारी चीज़ें उसके लक्षण के रूप में दिखने लगे थे। जल का स्तर बहुत नीचे हो जाना, ये कई चीज़ें हैं जिससे बिहार जूझ रहा है। और इसलिए आपको याद होगा कि 2019 में बिहार विधानमंडल के केंद्रीय कक्ष में माननीय सदस्यों की एक बैठक हुई थी और विस्तार से उस पर चर्चा हुई थी और सच कहिए हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिंता थी और उसी का ये सुपरिणाम हुआ। उस चर्चा ने इसे एक बड़ा आयाम दिया और इस आलोक में परिवहन विभाग ने भी जो तीन पहिया ऑटो चल रहे थे उसका सीएनजी में कैसे वो परिवर्तन हो उसके लिए हम सबों ने हाल के कैबिनेट में एक सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। 2015 वर्षों तक जो गाड़ियां चली हैं तो उन वो कैसे सड़क पर नहीं दिखें, इसके लिए कई प्रकार की हम सब घोषणा की है। उद्योग विभाग भी लगातार इस क्षेत्र में अग्रसर हुआ है और यह समझौता जो अभी इसका एक अध्ययन होगा उससे जो चीज़ें निकल कर आएंगी उसको फिर आने वाले दिनों में जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है उस प्रोग्राम पर हम सब बिहार में जो कार्बन का उत्सर्जन है और जो जलवायु में प्रदूषित हो चुकी है, जलवायु प्रदूषित हो चुकी है, उस क्षेत्र में भी हम सब काम करेंगे और बिहार को कार्बन मुक्त बिहार बनाने की दिशा में हम सब काम करेंगे।